आपने कहा पंजाब अलग है, महाराष्ट्र अलग है, सारे प्रदेश अलग अलग हैं, हम यूनियन है। अरे सर, गुरबानी में लिखा है हिंदुस्तान संभाल सी बोला, ये मैंने नहीं बोला, साहब श्री गुरु नानक देव जी की वाणी में लिखा है। साहब भगत बेनी जी कौन थे, भगत भीखर जी कौन थे, भगत धन्ना जी कौन थे, भगत फरीद जी कौन थे, भगत जयदेव जी कौन थे, भगत कबीर जी कौन थे, भगत नामदेव जी कौन थे, भगत परमानंद जी कौन थे, भगत पीपा जी कौन थे, भगत रघुनंद जी कौन थे, भगत रविदास जी कौन थे, भगत सदानंद जी कौन थे, भगत सैनी जी कौन थे, भगत सूरदास जी कौन थे, भगत त्रिलोचन जी कौन थे। ये देश के सारे राज्यों के अलग अलग राज्यों के भगत है, अलग अलग प्रांतों के भगत है, जिनकी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज करी गई। आप कहते हैं हमारा पंजाब का हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं है? नहीं नहीं, पूरे देश में, जो विघटनकारी सोच है ना आपकी, ये जो विघटनकारी सोच है ये समस्या है, ये जो विघटनकारी सोच है ये समस्या है, ये जो आप देश को बांटने की सोच है ये समस्या है, ये जो पाकिस्तान अपनी सोच बनाना चाहता है हिंदुस्तान में 370 वाली, वो समस्या है। अरे बांटने वाला लफ्ज सुन लिया कितने बार, आप श्री गुरु ग्रंथ साहब को पूरे देश में मानते हो? आपने बोला, आपने बोला कि हमारा हमको अलग अधिकार मिलने चाहिए, हमारा अलग है, पंजाब अलग है, महाराष्ट्र अलग है, गुजरात अलग है, आपने बोला। उस बात पे पीर है आप गुरु के सच्चे सिख नहीं हो, आप गुरु के सच्चे सिख नहीं हो। आपको पता नहीं श्री गुरु तेग बहादुर जी ने किस धर्म के लिए अपनी जान दी, किस लिए शहादत दी गुरु तेग बहादुर जी ने? अगर पूरे देश में श्री गुरु ग्रंथ साहब, सर हाँ सुनिए मेरी बात सुनिए, देखिए अगर आप लोगों को बीजेपी वाले को श्री गुरु ग्रंथ साहब से सिख धर्म से आपको कोई परेशानी नहीं, तो भाई जब हम झंडा उठाते हैं हमारे गुरु का, तो आपको वहां पर परेशानी क्यों होती है? किसी को नहीं तो होती। अगर पूरा देश उसको मानता है तो नहीं, नहीं किसी को नहीं होती वो झंडा उठाने से, लेकिन जबरन लाल किले पे चढ़ के हुड़दंग मचाने से दिक्कत होती है भाई साहब। इस देश में लॉ एंड ऑर्डर भी है, आप उससे ऊपर नहीं है। नहीं हम जब अच्छा जब बीजेपी का झंडा ऊपर जाता है तो आपके झंडे से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वायलेंस से दिक्कत है और लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने से दिक्कत है।